नमस्कार, एसएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर और हमारे साथ वो कलम के जादूगर दोनों खड़े हुए हैं जो अपनी कलम की ताकत से बहुत कुछ परिवर्तन कर देते हैं। एम आर रायपुरिया और जितेंद्र साहब हैं हमारे पर। रायपुरिया साहब, एक बात बताइए, ये आपको काशीराम जो मूवी थी ये किसने प्रेरणा दी आपको लिखने की और कहाँ से आए ये कॉन्सेप्ट, वो भी बताएं। दरअसल में पहले तो आपको धन्यवाद। किस जो सबसे पहले जब हम 1984-85 स्टूडेंट लाइफ से मानवर कांशीराम साहब के मिशन जो चल रहा था उससे प्रेरित हुए और जब मैं इधर जॉब में आया तो देखा कि हम अपनी एजुकेशन जो बढ़ा रहे थे उसमें फिर मैंने ये विषय पॉलिटिकल साइंस का, वैसे मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, उसके बाद हमने इधर पॉलिटिकल साइंस से हमने पीएचडी करना उचित समझा, क्योंकि हमें वो उससे जो चाहते थे कि हमें समाज का बहुजन समाज का किस तरह से और अध्ययन करके एक दिशा देनी है, इस दिशा में मैंने समझा कि इसको क्यों ना अब पर्दे पर पीएचडी को क्यों ना मानवर कांशीराम साहब के चरित्र चित्रण को, जो युवा हमारा भटक रहा है जो किताबें नहीं पढ़ पाता, तो क्यों ना चलचित्र के माध्यम से गांव के अशिक्षित लोगों को नवयुवकों को ये बात पहुंचाई जाए कि कांशीराम जी का आंदोलन क्या था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।